हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैग्नीटो इग्निशन सिस्टम। तो बेसिक तो हमने देखा कि स्पार्क कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल तो हमने देख लिया। तो अब एक्चुअल कैसे वर्क करता है तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे जो एन एस वाले जो हैं वो यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे यहाँ पे मैग्नेट्स दिए हुए हैं। ये जो मैग्नेट्स है वो एक रिंग यानी आप कह सकते हैं प्लेट पे लगे हुए हैं। ये जो प्लेट है वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जब इंजन घूमेगा तो फ्लाईव्हील के साथ ये मैग्नेट भी घूमेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, तो यहाँ पे दो कोइल दी हुई है। एक कोइल है प्राइमरी कोइल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी कोइल, ठीक है। अब ये यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे एक कंडेंसर के साथ से यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेकर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ब्रेकर का एक पॉइंट है वो यहाँ पे कैम शाफ्ट के साथ एक पॉइंट टच में है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल वाले आपको जो मैग्नेट दिख रहे हैं वो एक प्लेट में जुड़े हुए हैं। अब वो जो प्लेट है वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है। जब वो फ्लाईव्हील घूमता है तो ये प्लेट भी घूमती है और सारे मैग्नेट भी घूमते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेट तो घूमते हैं। अब यहाँ पे दो कोइल दी हुई है या फिर दो वाइंडिंग है, एक है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है जो आपको ऊपर वाली ब्लैक वाली दिख रही है वो यहाँ पे कंडेंसर के साथ जुड़ी हुई है और वो कंडेंसर यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ब्रेकर आर्म है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ब्रेकर आर्म की जो टिप है वो यहाँ पे कैम शाफ्ट के साथ टच में है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके साथ जो लाइन है वो यहाँ पे स्पार्क प्लग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पार्क प्लग इंट्रोड्यूस होता है। अब आपको पता है कि कोई भी बाइक में स्पार्क देने के लिए अगर ऐसा इंजन है तो वहां पे स्पार्क प्लग का यूज होता है, ठीक है। अब एक्चुअल क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे इंजन घूमता है, ठीक है, उसके साथ फ्लाईव्हील भी घूमेगा यानी ये जो आपके पास जो मैग्नेट है वो भी घूमेंगे, ठीक है। अब मैग्नेट घूमने के कारण यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है, ठीक है, उसमें क्या होगा, तो उसमें करंट जनरेट होगा, ठीक है, करंट जनरेट होगा। ये जो करंट है वो दो तरीके का होता है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जनरेट होता है वो यहाँ पे स्पार्क प्लग के लिए हम यूज करते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट जनरेट होता है वो जनरली गाड़ी का हॉर्न है या फिर आगे की जो लाइट है और या फिर ब्रेक लाइट है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब ये फ्लाईव्हील घूमेगा उसके साथ मैग्नेट घूमेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे करंट जनरेट होगा। अब प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट होता है वो यहाँ पे एक लगा हुआ है कॉन्टेक्ट ब्रेकर, उसके साथ टच में है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कैम है वो आपको पता है कि क्रैंक शाफ्ट के साथ घूमती रहती है। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ब्रेकर की जो टिप है वो कैम के साथ कनेक्टेड है। अब जब यहाँ पे कनेक्टेड यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कैम और ये कॉन्टेक्ट ब्रेकर का जो यहाँ पे टिप है उन दोनों के बीच में से कनेक्शन निकल जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट हुआ था वो यहाँ पे टिप तो हट गई, ठीक है। तो अब कैम और यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेकर के बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं, ठीक है, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे। तो तभी पोजिशन पे यहाँ पे जो करंट जनरेट हुआ है वो डायरेक्टली प्राइमरी वाइंडिंग से होकर हाई टेंशन करंट है वो यहाँ पे जाएगा स्पार्क प्लग में, ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जनरेट होता है वो यहाँ पे जाता है कंडेंसर से होकर यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट ब्रेकर पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब कैम और ये कॉन्टेक्ट ब्रेकर का जो है पॉइंट टिप उसके बीच में कनेक्शन निकल जाएगा यानी एक दूसरे के टच में नहीं होंगे। ऐसे वक्त यहाँ पे जो करंट होगा ये पूरी सर्किट में वो हाई टेंशन करंट जाएगा स्पार्क प्लग में, ठीक है। अब स्पार्क प्लग में हाई टेंशन करंट जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पार्क प्लग में हाई टेंशन करंट गया वो आगे क्या करेगा, देखिए
अब देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है, हाई टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट है वो बीच में एक रोड होगी। अब वो करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गैप देख रहा है ना, एयर गैप, यहाँ से जंप मार के ये दूसरी साइड जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड जाने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क कैसे जनरेट हुआ ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब कंडेंसर क्या करेगा कि जब यहाँ पे हाई टेंशन करंट होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट ब्रेकर की जो टिप है वो जल जाएगी, ठीक है। उस जलने को बचाने के लिए यहाँ पे कंडेंसर दिया हुआ है, जो क्या करेगा, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट होगा जो इसको हार्मफुल है इस टिप को, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे जो कांटेक्ट ब्रेकर की जो टिप है वो जलेगी नहीं, ठीक है। अब ऐसी एक सिंपल जैसी रचना है यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।